फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर या फिर कोई दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हम सभी लोग जानते हैं कि ये सभी हमारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म्स को हम अपनी पर्सनल डिटेल्स अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम अपनी डिटेल्स को प्राइवेट रख सकते हैं और ज़्यादातर लोग इन सभी को लेकर जागरूक भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम जहां आ रही है वो है ई कॉमर्स। जी हां, क्या आप लोगों को पता है कि ई कॉमर्स एप्लीकेशंस जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ये सभी भी हमारा पर्सनल डेटा इकट्ठा करते हैं और इन सभी पर हमारा पर्सनल डेटा पब्लिकली बड़े ही आसानी से अवेलेबल है। यानी कि कोई भी ये पता लगा सकता है कि आप क्या खरीदना पसंद करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है और भी बहुत कुछ। तो इनसे अपना डेटा कैसे बचाया जाए, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं अमेज़न एप्लीकेशन का एग्जांपल लूँगा और उसके ज़रिए आपको बताऊँगा कि कैसे आप अमेज़न से अपना पर्सनल डेटा बचा सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से मेरे साथ अपना अपना स्मार्टफोन निकालिए, उस पर अमेज़न एप्लीकेशन खोलिए और जो मैं स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ उन सभी को फॉलो कीजिए और अपने डेटा को सुरक्षित रखिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल वाले डेटा को प्राइवेट रख सकते हैं, यानी कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें जो हैं वो कैसे प्राइवेट रह सकती हैं। सबसे पहले आपको amazon.in या फिर amazon की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर ओपन करना है। यहाँ से आपको योर अकाउंट्स पर टैप करना है और इसके बाद फिर से एक बार स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। इसके बाद आपकी अमेज़न प्रोफाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा एडिट योर पब्लिक प्रोफाइल, इस पर आपको टैप करना है और इसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स ऊपर ही दिख जाएंगी, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर हाइड ऑल एक्टिविटी ऑन योर पब्लिक प्रोफाइल को टिक कर देना है और इस सेटिंग को सेव कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप शॉपिंग लिस्ट और विश लिस्ट को प्राइवेट रख सकते हैं। ये दोनों लिस्ट प्राइवेट ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी ये पता लगा सकता है कि आपने कब क्या ख़रीदा है और आप किन तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। विश लिस्ट को प्राइवेट करने के लिए आपको अमेज़न ऐप पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लाइंस पर टैप करना है। यहाँ से आपको योर विश लिस्ट पर जाना है और यहाँ पर टॉप राइट पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से मैनेज लिस्ट पर आपको टैप करना है, जिसके बाद आपके सामने लिस्ट की सेटिंग खुलकर आ जाएगी और यहाँ से प्राइवेसी पर पब्लिक की जगह आपको प्राइवेट को सेलेक्ट करना है और ऊपर से सेव चेंजेस कर देने हैं। अब बात करते हैं अमेज़न सर्च हिस्ट्री की और अमेज़न एडवर्टाइजिंग की। ये दोनों चीज़ें भी ज़रूर से डिलीट और ऑफ होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कोई भी ये पता लगा सकता है कि आप अमेज़न पर किस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च करते हैं। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में आप सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड एड्स भी आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और ये दोनों सेटिंग्स का ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। कैसे करनी है मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। अपनी अमेज़न ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको फिर से एक बार योर अकाउंट पर जाना होगा। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके योर रिसेंटली वीड आइटम्स पर जाना होगा और यहाँ से आपको मैनेज पर टैप करना होगा और मैनेज पर टैप करने के बाद आपको डिलीट हिस्ट्री पर टैप करना है, जिसके बाद आपकी सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। एडवर्टाइजिंग ऑफ करने के लिए आपको यहाँ से वापस जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नीचे एडवर्टाइजिंग प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाएगा और इस पर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको डू नॉट पर्सनलाइज एड्स फ्रॉम अमेज़न फॉर दिस इंटरनेट ब्राउज़र को सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो अमेज़न ऐप के एग्जांपल से मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन से अपना डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, टेक तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।